हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका विज्ञान के सेल बायोलॉजी के इस पेपर में आज एक नए ऑर्गेनल्स का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ये यहाँ आपको एक कोशिका की संरचना दिखाई गई है और इस कोशिका की संरचना में केंद्रक है और ऑर्गेनल्स हैं, ये सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल और पेयर में होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स उपस्थित होंगे, ठीक है। सेंट्रियोल इज ए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, कोशिका के एक ऑर्गेनल्स है। सभी ऑर्गेनल्स का हम अध्ययन ही कर रहे हैं और ये सभी यूकेरियोट कोशिका जो हैं उनमें ये उपस्थित होता है। हालांकि मेमल्स की आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है, लेकिन मोस्टली सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये एक यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर झिल्ली विहीन होता है, सेंट्रियोल लैक लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड डीएनए एंड आरएनए, और फॉर्म स्पिंडल ऑफ माइक्रोट्यूबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका प्रमुख काम है सेल डिवीजन के वक्त माइक्रोट्यूबल्स या स्पिंडल फाइबर्स बनाना और दोनों सेल डिवीजन में मदद करना। सेंट्रियोल फॉर्म वेजल बॉडी विच गिव राइज टू एक्सोनियम्स ऑफ सीलियन फ्लेजला। सीलियन फ्लेजला में जो वेजल बॉडी बनती है उसका निर्माण भी सेंट्रियोल्स करता है, ठीक है। एक्सोनियम्स ऑफ सीलिया और फ्लेजला के जो एक्सोनियम्स हैं वो सेंट्रियोल्स के द्वारा बनते हैं। ये सेंट्रियोल से दो राइट एंगल पे उपस्थित होकर दोनों को मिलाकर सेंट्रोसोम्स कह रहे हैं। इन यूकेरियोटिक सेल सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन पेयर, यूकेरियोटिक सेल्स में जोड़े में होता है और जिसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। ईच सेंट्रियोल्स लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, समकोण पे उपस्थित होते हैं एक दूसरे के समकोण पे, और सराउंडेड बाई एमोर्फस पेरी सेंट्रियोल मेटेरियल से सराउंडेड होते हैं और सेल डुप्लीकेटिंग होते हैं। सेल डिवीजन की एस फेस में ये स्वयं अपने आप को डबल करते हैं, द्विगुणन करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द सेंट्रियोल इज अबाउट 3000 to 5000 एंगस्ट्रम, इतनी इनकी लेंथ होती है और एंड डायमीटर इज अबाउट 1500 to 1800 एंगस्ट्रम। सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के बनी हुई है, इनके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और ये सेंट्रियोल इज सेट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल्स का एक सेट है और माइक्रोट्यूबल्स से बने हुए हैं। मेड अप ऑफ मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो इसमें माइक्रोट्यूबल्स में जो प्रोटीन मिलती है उसको कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के रूप में होती है। ये डायग्राम में ये माइक्रोट्यूबल्स दिखाए गए जो कि पूरे एक सेंट्रियोल्स की संरचना बना रहे हैं, दैट इज अ माइक्रोट्यूबल्स। ये डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोट्यूब्स है और इस माइक्रोट्यूबल्स में ये क्रॉस सेक्शन देखा तो इस तरह से दिखाई देता है, ये होलो है और ये दो प्रकार के ट्यूबुलिन है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर एक स्ट्रक्चर बन रही है और ये पूरी स्ट्रक्चर रिपीटेड होते हुए माइक्रोट्यूबल्स बनाती है। ये माइक्रोट्यूबल्स जिस तरह से नाइन है, नाइन के रूप में जिस तरह से व्यवस्थित है, ये एक सेंट्रियोल्स का निर्माण करते हैं। माइक्रोट्यूब्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ओपन एंडेड सिलेंडर्स, एक ओपन एंडेड सिलेंडर के रूप में माइक्रोट्यूब्स अरेंज है। द सिलेंडर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एग्जिबिट कार्ट व्हील टाइप स्ट्रक्चर इन ट्रांसफर सेक्शन, कार्ट व्हील, एक गाड़ी के जो पहिए होते हैं जिसमें स्पोक्स लगे हुए होते हैं उस तरह की संरचना में देखने को ये मिलती है। सेंट्रियोल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइन इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्स, इसमें ये नाइन पेयर्स होते हैं, ये नाइन संरचना होंगी और ये नाइन ट्रिपलेट में होंगे, ये एक जोड़ा नाइन में से एक जोड़ा ट्रिपलेट होगा, फिर ये होगा इस तरह के नौ जोड़े होंगे, ट्रिपलेट के नाइन पार्ट होंगे। द नाइन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्स आर अरेंज्ड इन ए
पैटर्न ऑफ 9+3, 9+3 ये पैटर्न में ये जुड़े हुए होंगे। ये कार्टव्हील बनता है, ये सेंट्रल एक्सिस है, ये 9 स्पोक्स निकले हुए हैं और प्रत्येक 9 स्पोक्स में माइक्रोटूब्यूल्स का ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होगा 9+3 का। इस संयोजन में विशेष रूप से संयोजन इस संयोजन के रूप में ये डायग्राम में, दोनों डायग्राम में बड़ा अच्छा क्लियर ढंग से आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये डार्क कलर में ये ट्रिपलेट बने हुए हैं, ये लाइट कलर में है, फिर ये डार्क में, ये डार्क में, और ये इस तरह से लगे हुए, ये कार्टव्हील के रूप में, और ये स्पोक्स लगे हैं जैसे पहिए में, साइकिल के पहिए में ताने होती हैं ना, उस तरह से ये लगे होते हैं, ये मिडिल एक्सिस इस पर ये जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसकी बड़ी खूबसूरत और अच्छी संरचना रहती है सेंट्रियोल्स की। इसी को अब हम आगे देखते हैं। द पैटर्न इज नेम्ड बिकॉज 9 ट्रिपलेट अरेंज एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर। ये जो पैटर्न जो बना है ये 9 ट्रिपलेट का और राइट एंगल होता है एक दूसरे के राइट एंगल। दीज ट्रिपलेट आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए सी लिंकर। अब ये जितने भी लगे हुए हैं इसमें ये ट्रिपलेट जो है इनको ए बी सी हम कहते हैं, ये माइक्रोट्यूबल्स हैं ए बी सी, ए बी सी करके, और ये स्पोक्स हैं, ये स्पोक्स हैं, ये 9 स्पोक्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 स्पोक्स होंगे। और इस 9 स्पोक्स से जो स्पोक्स के ऊपर लगा हुआ है ये क्या रहता है, पिन हेड कहलाता है, पिन हेड। और इस पिन हेड पे ये आपका ए लगा हुआ होगा, पिन हेड पे ये ए माइक्रोट्यूबल्स लगा हुआ, ए माइक्रोट्यूबल से बी माइक्रोट्यूबल्स लगा, बी से सी माइक्रोट्यूबल्स लगा हुआ, और ये तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सी इससे लिंक होगा, इस प्रकार से ये जुड़े हुए होंगे ठीक है। इसके अलावा ये सेंट्रल हब कहलाती है, एक्सिस आप कह सकते हैं। और ये जो यहाँ हमने दिखाया कि ये इसका ए है और इसका ये सी है, इन दोनों के बीच में ये लिंक जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार यह इसका ये सी है, ये इन दोनों के बीच में लिंक जो है, तो इसको बोलते हैं ए और सी लिंकर, ये ए और सी लिंकर से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी एक संरचना बनती है जो गोलाकार संरचना बनाती है, दैट इज अ कार्टव्हील। दीज ट्रिपलेट आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए सी लिंकर। द ट्रिपलेट्स आर टिल्टेड, दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये टिल्टेड होंगे, ये यहाँ 40 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, 40 डिग्री के एंगल से ये इनसे के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ओके, ये संरचना आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम इसी को कि ये जो दोनों बंडल लगे हुए हैं ये आपके ये राइट एंगल में इस तरह से बने हुए हैं, ये माइक्रोट्यूबल्स हैं इस तरह के, ये तीन तीन के 9 आप इस तरह से, यदि हम इनकी कैलकुलेशन करें ये 9 है, 9 के 3 9, 3, 27 27 ये माइक्रोट्यूबल्स एक साथ में जुड़े होंगे और ये होलो संरचना बनाते हैं। ये एक सेंट्रल सिलिंड्रिकल है और ये दूसरे सिलेंडर है, ये समकोण पे उपस्थित होंगे, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। अब यहाँ स्ट्रक्चर में पूर्व में बताया गया है कि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, एस फेज माइटोसिस के एस फेज में स्वयं का द्विगुणन कर लेते हैं। तो ये द्विगुणन किस तरह से होगा, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं जीवन में। ये सेंट्रोसोम है और ये दो सेंट्रियोल्स हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में जब सेंट्रोसोम की बात करते हैं ये दो सेंट्रियोल है जो कि समकोण पे उपस्थित है। यहाँ इनिशिएशन और डुप्लीकेशन प्रारंभ होगा, दोनों सेंट्रियोल अलग अलग होंगे और फिर इनमें डुप्लीकेशन ये प्रारंभ हो गया, ये डुप्लीकेशन ग्रो किया, सिंथेटिक फेज में ग्रो हो जाएगा और जी टू फेज में आते आते ये कंप्लीट डुप्लीकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आके मेटाफेज में आके डुप्लीकेशन में ये मेटाफेज है, मेटाफेज में ये दोनों सेंट्रोल अलग अलग ध्रुव पे चले जाएंगे और ये पूरा एक सेंट्रोसोम बना लेंगे और यही यहाँ सेंट्रोसोम है जो स्पिंडल फाइबर बना के इनके तर्क तंतुओं को ये अलग अलग दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हम कर रहे हैं डॉटर सेल से, जीवन से एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ और जी टू फेज में कंप्लीट होगा, ये सेंट्रोसोम मैचुरेशन हो गया या सेंट्रोसोम मैचुरेशन। माइटोसिस में ये दोनों दो अलग अलग कोशिकाएं चलेंगे दो डॉटर, फिर ये एक डुप्लीकेशन होगा और इस तरह से आते चलेगा, सिंथेसिस फेज में होगा और जी टू में कंप्लीट, और ये माइटोसिस में दो सेंट्रियोल्स दो डॉटर सेल्स यहाँ बन जाएगी, एक डॉटर सेल्स यहाँ निकल के एक डॉटर सेल्स द्वारा ये साइकिल करिए। बिफोर द सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन सेल कंटेंट टू सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। इन द सेंट्रोसोम द ओल्डर सेंट्रियोल इज टर्म्ड एज मदर सेंट्रियोल, जो
एंड अनदर वन इज टर्म्ड इज डोटा सेंट्रल, एक मदर सेंट्रल की लगी एक डोटा सेंट्रल। और ड्यूरिंग एस फेज में क्या होगा, सेल साइकिल के न्यू से सेंट्रियोल से ग्रो एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द मदर एंड डोटा सेंट्रल, और द टू पेयर सेंट्रियोल्स रिमेन अटैच टू द ईच अदर अंटिल माइटोसिस, दोनों जो टू पेयर एंड सेंट्रियोल अटैच रहेंगे जब तक कि माइटोसिस नहीं होगा, उस समय तक साथ साथ अटैच रहेंगे, फिर यहाँ आके अलग दे सेपरेट इन माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेपरेज, एक एंजाइम सेपरेज है जिसकी मदद से दोनों सेपरेट होते हैं और सेपरेट होकर अलग अलग पोल पर ये जाते हैं, स्पिंडल तंतु बनाते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना थी। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहला फंक्शन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिका का संगठन बनाना, पहला फंक्शन, ठीक है। और ये इनकी डिटेल है जो मैं बता रहा हूँ। फिर तीन प्रमुख फंक्शन है, कोशिका संगठन करना, फ्लैजेला सिलिया का निर्माण करना और सेल डिवीजन में मदद करना, ये तीन प्रमुख फंक्शन है, जिसमें से पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिका की संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स बने हुए हैं और इनके बीच बीच में ये माइक्रोट्यूबल्स वगैरह, सेंट्रोल्स वगैरह होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। उसी प्रकार से सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूबल्स इन द साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूबल्स के निर्माण में मदद करते हैं और माइक्रोट्यूबल्स साइटोस्केलेटन बनाते हैं। द पोजिशन ऑफ सेंट्रियोल इन सेल डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड प्ले क्रिटिकल रोल इन द अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, कहाँ केंद्रक होगा वो सेंट्रियोल की पोजिशन पर डिपेंड करता है। और ये क्रिटिकल रोल अरेंजमेंट जो सेल ऑर्गेनल के जो अरेंजमेंट है उसमें ये क्रिटिकल रोल अरेंज निभाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजला, सीलिया और फ्लेजला, सीलिया फ्लेजला का जो निर्माण होता है उनके अंदर एक वेजल बॉडी होती है, उस वेजल बॉडी का निर्माण ये माइक्रोट्यूबल सेंट्रियोल्स करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म विद सीलिया एंड फ्लेजला पोजिशन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स डिटरमाइंड बाय द मदर सेंट्रियोल्स विच बिकम्स वेजल बॉडी, वेजल बॉडी का है ये, इस प्रकार से ये सेंट्रोल्स और सेंट्रोल में ये वेजल बॉडी है, इस वेजल बॉडी से ये फ्लेजला या सीलिया फ्लेजला बन रहा है, सीलिया फ्लेजला बन रहा है, ये वेजल बॉडी उससे बनती है, एक्जोनिम्स ये सीलिया फ्लेजला। इसी प्रकार इस डायग्राम में ये माइक्रोट्यूबल्स हैं, ये माइक्रोट्यूबल्स मिलके जो सेंट्रोल्स के, ये सेंट्रोल कट सेक्शन देखेंगे, सेंट्रोल्स के माइक्रोट्यूबल्स हैं, ये मिलके इसके वेजल बॉडी बनाएंगे, फिर यहाँ से ये फ्लेजला बनेगा जिसकी संरचना अलग हो सकती है और ये। इस प्रकार सिलिया और फ्लेजला के जो वेजल बॉडी बन रही है उनका फॉर्मेशन ये सेंट्रियोल्स के द्वारा हो रहा है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन इन सेल डिवीजन, यदि हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख फंक्शन हमारा जो कॉमन जो फंक्शन है उसमें ये कहते हैं कि सेल डिवीजन में ये मदद करता है। दोनों सेंट्रियोल, दोनों पोलों पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो सेंट्रियोल के द्वारा बनते हैं, ये एक प्रमुख फाइबर। लेकिन इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सिलिया फ्लेजला में का निर्माण, ये दो फंक्शन भी सेंट्रियोल्स के हैं। तो तीसरा है इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन जो माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस करके दो प्रकार के सेल डिवीजन जानते हैं, और माइटोसिस में ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है। यहाँ प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकिनेसिस कि टेलोफेज में ये दोनों दो डॉटर कोशिका बन गई, एनाफेज में डिवाइड होने लगी, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम सेंटर में आ गई, ये हम पढ़ के आएंगे। तो ये जो डिवाइडेड है इनमें चारों फेज में किस प्रकार से सेंट्रियोल रोल अदा कर रहा है और ये यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर नटन सेल में ये है कि सेंट्रोसोम जो है वो दोनों दो पोल्स पे जाके, और जब मेटाफेज में ये क्रोमोसोम से मेटाप्लेट बनाते हैं तो इनकी जो दोनों क्रोमेटिड्स को अलग अलग ले जाने का काम, बांधने का काम, और टीलोफेज में दो डॉटर सेल बनाने का काम, ये सेंट्रियोल्स का है, सेंट्रोसोम्स का ही है, ये सेंट्रियोल्स का ही है। प्रोफेज में क्या होगा, ये प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर होने लगेगी, माइटोटिक स्पिंडल बिगनिंग टू फॉर्म, माइटोटिक स्पिंडल प्रारंभ होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिजॉल्विंग जाएगी, और जो सेंट्रियोल्स है विच इज डिवाइडेड ड्यूरिंग एस फेज मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेज में ये अपोजिट एंड की ओर पहुंचते हैं, ये जाने लग जाते हैं। द माइटोटिक स्पिंडल ऑफ थ्रेड्स अपीयर, ये स्पिंडल फाइबर्स इनके बनने लग जाते हैं, ठीक है ना, ये बनने लगते हैं, दैट इज इन प्रोफेज, प्रोफेज फेज में। मेटाफेज में क्या होगा कि इस मेटाफेज में ये स्पिंडल फाइबर कंप्लीट बन जाएंगे और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपोजिट, तो सेंट्रियोल आर एट द अपोजिट पोल्स ऑफ ईच अदर,
सेंट्रियोल पुल्स द क्रोमोसोम टू द सेंटर ऑफ द सेल, ये यहां इनको सेंटर में लेके आएंगे, पुल करेंगे क्रोमोसोम्स, ये करेंगे और मेटाप्लेट बन जाएगी इनकी, इनकी ये मेटाप्लेट बन जाएगी। इसके बाद एनाफेज में क्या होगा, ड्यूरिंग द एनाफेज ये मेटाप्लेट जो का निर्माण मेटाफेज में हो जाएगा, और एनाफेज में ये जो इनके क्रोमेटिड्स बने इन क्रोमेटिड्स को अलग अलग, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड्स को इधर खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड्स को इधर खींचेगा। द स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोस कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल वन सिस्टर क्रोमेटिड टूवर्ड्स अपोजिट साइड, एक सिस्टर क्रोमेटिड से इधर आ जाएगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर आ जाएगी, ये एनाफेज की स्थिति में होगा। और टीलोफेज में जब ये हो जाएंगे दोनों में खींच लेंगे, तो जब ये सिस्टर क्रोमेटिड से स्पिंडल फाइबर्स की मदद से एक पोल पे आ जाएंगी, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल्स पे आ जाएंगी, तब ये इनका डिवीजन होगा और ये पोल पे क्रोमोसोम से इकट्ठे हो गए, दूसरे पोल पे ये क्रोमोसोम से करके ये दो नई डॉटर सेल्स बन जाएंगी और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, द न्यू डॉटर सेल्स कंटेन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रियोल्स के कारण ही क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और सेल डिवीजन में पूरी हेल्प हो रही है। तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका सेल डिवीजन में इस प्रकार से है, स्पिंडल फाइबर्स बनाना। ये डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को यहां अपन को जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये यही तक है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन इस प्रकार के सेंट्रियोल्स का और इस प्रकार के। तो ये आज हमने जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का छोटा सा ऑर्गेनल्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बात किया, जिसका नाम है सेंट्रियोल्स, और जिसे यूकेरियोटिक कोशिका में सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम्स में पेयर में होता है, तो दो सेंट्रियोल्स होंगे जिनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। कार्टविल जैसी संरचनाएं, 9+3 की 3 की संरचनाएं माइक्रोट्यूबुल्स के बनी हुई है, और जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और इसका फंक्शन प्रमुख रूप से पहला फंक्शन है इसका सेल डिवीजन में मदद करना और स्पिंडल फाइबर्स बनाना और ये दो डॉटर सेल्स बनाना। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मदद करना, और तीसरा है सीलिया और फ्लैजेला में वेसल बॉडी का निर्माण करना। इस प्रकार से ये पूरा इसका फंक्शन है। तो आज इतना ही सेंट्रोसोल की संरचना और फंक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।